अरेंज मैरिज स्टार्टिंग से एंड मैंने सोचा था कि अरेंज ही करूँगी एंड बहुत वेट था, अच्छा था काफ़ी। जब हम फर्स्ट मीटिंग मिले कुछ भी हमारी इतनी बात नहीं हुई थी, लाइक 5 मिनट्स की हमारी कन्वर्सेशन हुई थी एंड सडनली फिर बोला था रिश्ता विश्ता पक्का हो गया था। एंड देन थोड़ी देर बाद उन्होंने, जब पक्का हो गया रिंग सेरेमनी हुई, बात स्टार्ट हुई रात को एंड उन्होंने मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना है नॉर्मल कह सकते हो। सो धीरे धीरे जिंदगी में आए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकता, दैट हमारे जितना भी टाइम था बीच में वेडिंग का और हमारे रिंग सेरेमनी से अब तक का, उसके बीच में सिर्फ हम एक बार मिले थे, वो भी न्यू ईयर पे। एंड वो बहुत कुछ स्पेशल मोमेंट्स थे जो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। लाइक हमारा फर्स्ट टाइम लाइक डेट पे जाना और बहुत अच्छा और सबके साथ डिनर एंड ऑल, तो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस भी करता हूँ क्योंकि वो पल दोबारा कभी नहीं आ सकते। मैं शायद कभी इसके ऐसे अब डेट पे नहीं जा पाऊँगा बिकॉज नाउ शी इज़ माई वाइफ। बट हाँ, गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग वो नहीं आएगी जो उस डेट पर थी जो मैं उससे ज़्यादा फर्स्ट टाइम मिला था न्यू ईयर। विष्णु लक्ष्मी का मंगल परिणय है, जोड़ी मनोहर अभिनव सुंदर, जोड़ी मनोहर अभिनव सुंदर, प्रीति पुरातन नूतन परिचय है, कृष्ण रुक्मिणी का मंगल परिणय है। ऋषिका के लिए मैंने मोहित देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दोनों हल्के हल्के बच्चे, बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छे, ना खाने पीने की कोई वो थी उनमें, देखते मुझे बहुत अच्छा लगा। बिजनेस उनका मोहित जी का और उनके एजुकेशन बहुत अच्छी, इसी वजह से मैंने अपने बच्चे को मोहित को एक सा समझा और मेरे दोनों प्यारे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मोहित जी मैंने पसंद किए, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। ऋषिका मेरी बेटी, इसे हम प्यार से डॉली बोलते हैं और ये डॉल की तरह ही लगती थी। ये हुई थी 26 सितंबर 1992 में और इसके दादाजी थे वो बहुत प्यार करते थे, दादी की लाडली है, उन्हीं के साथ रहती थी, उन्हीं के साथ खाना पीना सब कुछ उन्हीं के साथ करती थी और हम भी सब बहुत प्यार करते हैं। मेरा दिल का टुकड़ा है ये जो जा रही है। आज मेरी सिस्टर की शादी है और हर भाई चाहता है कि उसकी बहन खुश रहे हर बार, जैसे कि मोहित जी जो काफ़ी अच्छे हैं हमारे। और हमेशा मैं दीदी को इस चीज़ से चिढ़ाता था कि एक बार आपकी शादी होगी तो मेरे को अब आपकी अलमारी मेरी हो जाएगी। फाइनली आज मेरी अलमारी हो ही गई और मैं आपको बहुत मिस करूँगा। सीरियसली आप हमेशा खुश रहिए, मैं यही चाहता हूँ और हम सबको याद आएगी। मोक्षदं चैव ओंकार।
बहुत अच्छी लगती थी ऋषिका में, बहुत प्यारी है, हमारी बिटिया है, उसके बगैर घर बड़ा सूना सूना सा रहेगा। सबों का मेकअप करना, सबको प्यार करना, हमारी ड्रेसेस चॉइस करना, सब उसी के हाथ में था। बहुत ज़्यादा हम उसको मिस करेंगे, बच्चों को कौन पढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। घर के डेकोरेटर वही थी एक तरह से हमारी। मोहित आजकल के नए विचारों वाला लड़का है, जैसा हमारी बिटिया को चाहिए था ऋषिका को, और उसको बहुत पसंद आया। दोनों आपस में तालमेल अच्छा है। मैं उन दोनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, तो कहीं भी रहें बहुत खुश रहें, अब खूब घूमें फिरें, लाइफ का एंजॉय करें, बहुत प्यार करें आपस में। मेरी बेटी, मेरी भतीजी डोली और कुंडल, कुंडल नाम उसका इसलिए रखा था हमारे डैडी ने रखा था, उसे जब गोद में खिलाया करते थे उसे कुंडल कुंडल कहते थे। बहुत ही लाडली थी वो। आज वो अपना घर से विदा होगी, हमारे को पूरे घर को थोड़ा सा वो रहेगा, बाकी भगवान उसे खुश रखे, जिंदगी भर उसे खुशियाँ मिले। इस घर को छोड़ के जा रही है, दूसरे घर में जा रही है, ऐसा लगे जैसे वही उसका एक अपना घर है। और मेरी तरफ से ऋषिका को और मोहित को बहुत बहुत शुभकामनाएं, राजी खुशी, जिंदगी बढ़िया चले, मस्त रहें, जैसे मैं 12 साल से मस्त रह रहा हूँ वैसे ही मोहित भी और हमारे साथ एंजॉय करें। ऋषिका मेरी बच्ची है, बस बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार करती थी हमसे, बाबा से भी बहुत करती थी, और आज ही बहुत प्यारी, आज चली जाएगी तो उसकी बहुत याद आएगी हमें। बहुत प्यार करते हैं हम ऋषिका को, हमारी फैमिली में जितने भी लड़के हैं उससे बढ़िया लड़की कोई नहीं है, इतनी प्यारी है, सबको प्यार करती है वो, और सबसे बढ़िया लड़की है। एक्टिव इतनी है कि जिस जो रो रहा होगा उसको हंसाना उसका काम है, बचपन से लेकर अभी तक उसने जितना सबको हंसाया है, रुलाया है, रुलाते हुए को हंसा दिया है। वेरी लवली बेटी, जिसको कहते हो बेटी दिल का टुकड़ा, वो हमारी बेटी ऋषिका है। मेरी शादी में रुशाली सिर्फ 3 साल की थी, जब मेरी शादी हुई मैं उसको गुड़िया को देखती रहती थी, इतनी सुंदर थी जैसे कोई डॉल को सजा कर बिठा दिया हो। आज जब वो चाह रही है तो मन में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ बोला नहीं जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। उसका दूध मांगना, उसका लड़ना, उसका बातें करना, मुझे सारी कुछ याद आती है, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। जब मेरे को पता लगा कि उनकी मैरिज हो रही है तो आई वॉज लिटरली शॉक कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमारी सिस्टर अब हमसे दूर जा रही है। तो खुश भी था और एक टाइम को थोड़ा सैड भी था, क्योंकि जो जिनके साथ मैं बचपन से खेला हूँ, लड़ा हूँ, पढ़ा हूँ, और उन्हीं अब वही हमसे दूर जा रही है, तो हाँ थोड़ा दुख होता है, बट एक अच्छा घर भी मिल गया उसके लिए भी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट।
From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. आज चली जाएगी तो बहुत मेरे को मतलब महसूस होगा कि वो चली गई. और मेरी बस यही प्रार्थना, खूब खुश रहे, यही आशीर्वाद है मेरा. ईश्वर से इच्छा करती हूँ कि आगे जाके भी उनके घर में अच्छी रहे. फेरों के दौरान ऐसा लगा जैसे अपना एक कलेजा निकल गया.